हमारी इस चैनल में संस्कृत की कई वीडियोस जैसे जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, रंगों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, घरेलू वस्तुओं के नाम, अनाजों के नाम, कपड़ों के नाम, स्कूल में यूज़ की जाने वाली वस्तुओं के नाम, अलंकार, कारक, संधि, संस्कृत श्लोक, अनुवाद, शब्दार्थ, शब्द रूप, गिनती, नदियों के नाम, शहरों के नाम, मंदिरों के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, सप्ताह के नाम, मुहावरे, लकोक्तियाँ जैसी और भी कई वीडियोस अवेलेबल हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे संस्कृत में पांच सब्जियों के नाम और उनके वाक्य प्रयोग, यानी फाइव वेजिटेबल नेम इन संस्कृत। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जी हमारा है फूलगोभी। फूलगोभी को संस्कृत में कहते हैं गोजिहा, और इसका वाक्य प्रयोग बनेगा गोजिहा शाकम स्वादिष्टम भवति, यानी फूलगोभी की सब्जी स्वादिष्ट होती है। अगला है करेला। करेला सब्जी को संस्कृत में बोलते हैं कारवेलम, और इसका वाक्य प्रयोग बनेगा मोहनः कारवेलमस्य शाकं खादति, कारवेलमस्य स्वादः कटुः भवति। अब इसका हिंदी में अर्थ बनता है मोहन करेले की सब्जी खाता है, और करेले की सब्जी कड़वी होती है या कड़वा होता है। अगला है नींबू। नींबू को संस्कृत में कहते हैं नीबुकम, और इसका वाक्य प्रयोग बनेगा नींबुकस्य स्वादः अम्लियम अस्ति। अम्लियम का मतलब होता है खट्टा, यानी नींबू का स्वाद खट्टा है। अगला है आलू। आलू को संस्कृत में कहते हैं आलू कह, और इसका वाक्य प्रयोग बनेगा अध आलुकस्य शाकम निर्मवति, यानी आलू की सब्जी बनाई है। अगली सब्जी है परवल। परवल को संस्कृत में कहते हैं पटोलह, और इसका वाक्य प्रयोग बनेगा एकवारं पटोलह शाकं खाद एवं स्वादिष्टं भवति, यानी इसका हिंदी में अर्थ बनता है एक बार परवल की सब्जी खाओ, यह स्वादिष्ट होती है। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।